क्या आप जानते हो 15 अगस्त के दिन हम सब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इसे किसने लागू किया और किसने डिसाइड किया क्या आप जानते हो? देखा जाए तो इंडिया 15 अगस्त से पहले इंडिपेंडेंट हो गए थे। 18 जुलाई 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन जो इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी दिन इसी तारीख को 200 साल पहले 1945 यानी 15 अगस्त 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड टू में जापान ने इसी तारीख को सरेंडर किया राइट फोर्सेस के आगे, इसीलिए इस दिन को ही डिसाइड किया गया। क्या आप जानते हो इंडियन फ्लैग किस मटेरियल से बनता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार एक मटेरियल है जिसे जिस मटेरियल से फ्लैग बनता है हम उसी फ्लैग को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से फ्लैग केवल खादी से बना होता है, हम उसी खादी से बने तिरंगा को ही फहराया जा सकता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि केवल कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ यानी KKGSS ही केवल बना सकता है। KKGSS के पास ही लाइसेंस है फ्लैग बनाने का। जो तिरंगा लाल किले पर इंडिया गेट पर लगाया जाता है, आप जहाँ भी देखोगे गवर्नमेंट ऑफिस के टेबल पर रखे, आपने अक्सर देखा होगा जो फ्लैग लगाया रहता है, टेबल पर रखा रहता है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सारे फ्लैग KKGSS सप्लाई करता है। अगर दूसरे कपड़े के तिरंगा बनाया जाए तो उन्हें सजा मिल सकती है 3 साल के और उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है। क्या आप जानते हो 15 अगस्त को हमारे साथ और कितने देश इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? 4 ऐसे और देश है जो इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त को। साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बहरीन और लिक्टेनस्टाइन इस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाता है। बहरीन को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से 1970 में इसी दिन को। साउथ कोरिया इस दिन को सेलिब्रेट करता है नेशनल लिबरेशन डे और इसी दिन को 1945 को जापानीज कॉलोनियल रूल से उनको आज़ादी मिली थी। रिपब्लिक ऑफ कोंगो को 1960 को फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। लिस्टिनस्टाइन को आज़ादी मिली थी जर्मन के रूल से 1866 में। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।